हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कुछ आप लोगों के कमेंट्स, कुछ आपकी कंसर्न, कुछ अभी प्रेजेंट की सिचुएशन और जो अभी एग्जाम को लेकर के बातें हो रही हैं, आपके प्रमोशन को लेकर के, आपकी टेंशन को लेकर के, वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के कुछ कॉमेंट्स के। काफी बच्चे मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी, व्हाट्सएप में भी, कि मैम मेरे मम्मी कोरोना पॉजिटिव हैं, मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव हैं, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, स्टडी नहीं हो पा रही है। एक तो कोरोना पॉजिटिव हूँ, साथ ही स्टडी नहीं हो पा रही है। और कल एक बच्चे का ऐसा कॉमेंट आया कि मैम मेरी बिल्डिंग में 3-4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और हमने घर में खुद को बिल्कुल लॉक करके रखा है, बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाए। मम्मी भी डरी हुई है, पापा भी डरे हुए हैं, हम सबको बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा। सो गाइज, आपको पता है, देखिए सिचुएशन जो है कंट्री की वो कितनी खराब चल रही है और साथ ही साथ फिर बच्चों पर और डबल अटैक हो रहा है एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, टेंथ के भी, टेंथ को तो खैर सीबीएसई को तो प्रमोट कर दिया है। अगर मैं एनएस बोर्ड की बात करूं तो एनएस बोर्ड के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि ना हमको प्रमोट किया जा रहा है, ना कोई अभी उन्होंने कोई डेटशीट आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है हम लोगों का। सीबीएसई के 12th वाले बच्चे बहुत परेशान है और एनएस बोर्ड के तो सारे ही बच्चे परेशान है कि भाई क्या होगा। एग्जाम की तलवार सर पे लटकी रहती है, साथ ही साथ कोरोना का डर भी रहता है। सो गाइस, जब आप इस तरीके के कमेंट्स करते हैं ना तो मतलब बड़ा दुख होता है। देखिए, जस्ट ऐसा नहीं है कि जब आप इतने सारे लोग इतने काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जस्ट एक सब्सक्राइबर और एक यूट्यूबर वाला कनेक्शन नहीं रह जाता है, फिर एक फैमिली जैसा एक कनेक्शन हो जाता है। और जब आप लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं ना कि मैम मुझे कोरोना है या मेरे घर में किसी को कोरोना है या मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मतलब बहुत बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि अपने किसी घर के मेंबर को, किसी फैमिली के मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत मतलब बुरा लगता है। फिर कुल मिला के बात यह है कि काफी बुरा लगता है सारी चीजें आपकी सुन के। और अच्छा इसलिए लगता है कि आप लोग कमेंट करके शेयर करते हैं अपनी बातें मेरे साथ, आप लोग बताते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ चलिए मैम के साथ ये कमेंट करके हम लोग डिस्कस कर दें, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप कमेंट करके बताते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम तो बहुत अच्छा लगता है, काफी मतलब सुकून सा मिलता है कि हाँ हम जस्ट एक यूट्यूबर या फिर एक सब्सक्राइबर वाला कनेक्शन नहीं रह गया है, हमारा कनेक्शन जो है एक फैमिली मेंबर जैसा है। और जब फैमिली मेंबर आपस में कुछ डिस्कस करते हैं तो वो चीज तो अच्छी लगती ही लगती है। सो गाइस, देखिए मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या फिर जो नॉन सब्सक्राइबर भी हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी सबसे पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग घर से बाहर ना निकले। आपको पता है कि लास्ट ईयर जो कोरोना आया था उसके कंपैरिजन में जो इस साल कोरोना है उसकी जो वेव है वो ज्यादा खतरनाक है। ये टीनेजर को और यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो कोरोना के केसेस हैं वो इस साल सबसे ज्यादा है। बहुत हाई लेवल पर डेथ्स भी हो रही हैं, बहुत हाई लेवल पर कोरोना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं। और इस साल की बात करूं तो इस साल तो मतलब ये समझ लो हॉस्पिटल्स में बेड का बहुत एक अकाल सा पड़ गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। और जिसकी फैमिली के साथ ऐसा होता है, जिसकी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा होता है ना, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो इंसान के हाँ उसको कैसा फील हो रहा है। जिसका अपना कोई जा रहा है, जो किसी अपने को खो रहा है, कोई नहीं फील कर सकता उस चीज को। सो मेरी आप सभी से गाइस हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, स्पेशली वो बच्चे जो मुझे कमेंट्स करके बता रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपना और उसके बाद आप अपनी फैमिली मेंबर का ध्यान रखिए, बिकॉज फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपके फैमिली मेंबर सब ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर सब साथ हैं, हेल्दी हैं, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट या फैमिली मेंबर जो होते हैं आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके घर के बड़े हैं, तो उनकी बातें अलग होती है, मतलब उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और सबसे मेन रहते हैं वो, बहुत मैटर करते हैं आपके लिए आपके फैमिली मेंबर, तो आप उन सभी का बहुत ध्यान रखिए, साथ ही साथ आप अपना भी ध्यान रखिए। क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ कुछ होता है ना तो बहुत ही बुरा फील होता है। आप सोचिए इस चीज को, जब आपके कहीं रिलेशन में से कोई ऐसा कॉल आए कि भाई हाँ उस जगह किसी की डेथ हो गई है या फिर वो इंसान कोरोना पॉजिटिव है, तो कितना डर भी लगता है और कितना दुख भी फील होता है कि भाई अरे थोड़े दिन पहले तो वो इंसान हमसे मिला था और अब उसकी डेथ की खबर आ गई है। सो गाइस, इसका एक ही सलूशन है कि आप सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, विदाउट मास्क के तो घर से बाहर कदम भी ना रखें। और अगर आपके फैमिली मेंबर में से भी कोई घर से बाहर किसी वजह से जा रहा है तो घर में अंदर घुसते ही सबसे पहले उसको सैनिटाइज कराएं, उसके हैंड वॉश वगैरह कराएं। तो ध्यान रखें इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो वो बहुत बड़ा बड़ा आपको फायदा देंगी। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, आप सभी घर पर रहें, सेफ रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और दूसरी तरफ गाइस, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपकी स्टडी को लेकर
लेकर रिलेटेड बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम प्रमोशन क्यों नहीं हम लोगों को मिल रहा है, कब हम लोग प्रमोट होंगे, तैयारी भी नहीं हो पा रही है, साथ में प्लस हमें डर भी लग रहा है, तो ना प्रमोट हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। सो गाइस देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक फिलहाल कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके प्रमोशन को लेकर के नहीं है। 10th CBSE के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, 12th वालों को अभी होल्ड पर रखा है, 12th वालों के प्रमोशन की कोई भी अभी अपडेट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जब CBSE अपने 12th के बच्चों को प्रमोट नहीं कर रही है तो NIS वाले स्टूडेंट्स भी गाइज अभी उनका भी प्रमोशन का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। हालांकि जो हालात है उनमें आपको प्रमोशन मिलकर रहेगा, ये चीज मैं आपको श्योर कर देती हूँ कि प्रमोशन तो आपको मिलना ही चाहिए। जो हालात है उसमें तो घर से बाहर कदम रखना भी खतरनाक है, तो प्रमोशन तो आपको मिलेगा, थोड़ा चाहे लेट मिले, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि भाई हाँ कोई ऐसा ऑफिशियली इस चीज को नहीं कहा गया है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है। तो NIS बोर्ड के बच्चे पैनिक ना हो और 12th वाले CBSE वाले स्टूडेंट्स भी पैनिक ना हो, जैसे ही आपको कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो गाइस थोड़ी सी स्टडी को लेकर आपकी बात कर लेते हैं। काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करें, प्रमोट होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। सो गाइस देखिए अभी फिलहाल तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा है नहीं कि आप प्रमोट हो रहे हो, अभी CBSE किसी मूड में ऐसी नहीं दिख रही है, ना CBSE वाले स्टूडेंट्स ना NIS वाले स्टूडेंट्स। लेकिन गाइज अगर आपसे कहा गया है कि आप तब तक का वेट करिए तो उस दौरान आपको अपनी स्टडी से बिल्कुल नहीं हटना है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बर्डन लेकर के चलना है, मुझे पता है कि सिचुएशन ऐसी है इसमें पढ़ाई नहीं हो पाती ना फोकस हो पाता है। सो गाइज आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को लेकर चलना है लेकिन एज अ बर्डन नहीं लेना, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना, ओपन फ्री माइंड आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। आई नो कि सिचुएशन खराब है, उस सिचुएशन पे फोकस नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। अगर मान लीजिए इनफैक्ट कोई ऐसा किसी परसेंट अगर आपके एग्जाम होने लगे, अगर आपको डेट शीट पकड़ा दी गई नेक्स्ट मंथ, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है ना फिर आप ये बोलेंगे हल्ला मचा मचा के मेरी तैयारी नहीं है, मैं पेपर नहीं दे सकता। तभी भी तो आपको किसी वजह से अगर ऐसा हुआ एग्जाम देने पड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा आप अपनी स्टडी पर फोकस रहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए खुद को, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, ज्यादा पैसिमिस्टिक नहीं बनना, और थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना है डेली कि हाँ हो सकता है मुझे पेपर देने पड़ जाए तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ। सो गाइस पढ़ाई जारी रखिए, उन स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली मेंबर का ध्यान रखिए, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, बिल्कुल कदम नहीं रखना आपको घर से बाहर, और जो टाइम आपको अपने घर में स्पेंड करने को मिल रहा है, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने को मिल रहा है, थोड़ा टाइम उनके साथ बिताएं, थोड़ा सा टाइम आप अपनी स्टडी पर भी ध्यान दें। कुछ बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि बहुत डर लग रहा है। सो गाइस उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपको डरना नहीं है, हम सब साथ हैं, हम सब इस दौर से मतलब गुजर रहे हैं, इस फेज को हम लोग पार करके आगे बढ़ेंगे, एक नॉर्मल लाइफ की तरह हम सभी बढ़ेंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ। एंड आई थिंक आप सभी ऐसी उम्मीद करते हैं, प्रे कर रहे हैं काफी लोग ऐसा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो गाइज बिल्कुल हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, जरूर जिएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी जो आपका ये बुरा वक्त एक तरीके से कह लो चल रहा है, इसको आप पास करिए और थोड़ा सा समझदारी से चल रही है, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलिए, घर में रहिए, थोड़ा थोड़ा स्टडी भी करनी है। और गाइस एक चीज और है, जो बच्चे मतलब जो हद से ज्यादा टीवी देखते हैं, जो हद से ज्यादा न्यूज देख रहे हैं आजकल, न्यूज देखें अच्छी बात है, अपडेट रहें आप डेली के अभी क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लेकिन 24 घंटे न्यूज चैनल ना देखें, 24 घंटे ये चीजें ना देखें आप लोग, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डर का माहौल बना रहता है। तो डेली आप अपडेटेड रहें चीजों से, लेकिन अगर हद से ज्यादा बिल्कुल टीवी के सामने बैठे रहते हो, हद से ज्यादा आप जो है एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर डर रहता ही है। और स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको तो ज्यादा लगता है, चलो पेरेंट्स तो इतने मेच्योर होते हैं। तो स्टूडेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग अपनी थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें, घर पर रहें, सेफ रहें, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताएं, और पैसिमिस्टिक ना बने, ऑप्टिमिस्टिक बनकर पढ़ाई करें, थोड़ा सा पॉजिटिव मूड अपना कर रहे हैं आप लोग। आई नो दैट दिस इज टू मच डिफिकल्ट, बट थोड़ा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और जब आप मुझे कमेंट्स करके बताते हैं तो थैंक यू सो मच, आप कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए, बिकॉज जस्ट हमारा यूट्यूबर या फिर एक व्यूअर वाला सब्सक्राइबर वाला एक कनेक्शन नहीं है, वी ऑल आर फैमिली। तो जब एक फैमिली मेंबर परेशान रहता है तो अच्छा लगता है जब वो दूसरे किसी फैमिली मेंबर के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं। तो शेयर करते रहिए आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। और साथ ही साथ गाइज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, मुझे पता है मैं कोई लेटेस्ट अपडेट आपके साथ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जस्ट मेरा मन किया कि भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं तो क्यों ना मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूं, तो बस ऐसे यही थॉट के चलो है, बात करते हैं हम लोग। सो गाइज वीडियो के बारे में आपका क्या कमेंट है, आपकी अभी सिचुएशन को लेकर आप
आपके पेरेंट्स को लेकर के, अपनी एग्जाम्स को लेकर के, कोई भी जो भी आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी ये ना सारी बातें सुनने के बाद आपको लगता है, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, और स्टडी रिलेटेड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है, तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी दे दूंगी। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि गाइस अभी भी मैं आपको डेली दिन में 2-3 वीडियो अपनी आपकी स्टडी रिलेटेड डेली आपको देती हूँ, हिंदी इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर स्टडी आपकी चल रही है, तो स्टडी हमने बिल्कुल स्टॉप नहीं की है, पढ़ाई आप जारी रखें, कीप स्टडिंग, ताकि आपका टाइम जो है यूटिलाइज होता रहे, बाद में आप ये ना पछताएं कि डेट शीट आ गई है तो हम कैसे करें, मतलब हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज कॉमेंट कर दो, मतलब कॉमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, बस और तो कुछ नहीं है। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जैसे ही कोई लेटेस्ट यू नो अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।